देखिए, हम पहुंच रहे हैं उमानंदा मंदिर के बिल्कुल पास में और चारों तरफ इतना बढ़िया लग रहा है ना। और अब देखिए वो दिखाई दे रहा है हमें बीच में पीकॉक आइलैंड। और उमानंदा टेंपल के लिए कहते हैं कि यहाँ पर कामदेव को शिव जी ने भस्म कर दिया। तो मित्रों, अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ माँ कामाख्या के भैरव उमानंद जी के पास। और कहते हैं माँ कामाख्या के दर्शन माने जाते हैं अधूरे जब तक कि आप उमानंद जी के दर्शन नहीं करेंगे। तो इस पूरी ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड है जिसे हम पीकॉक आइलैंड कहते हैं। उसके ऊपर जो पर्वत है उसकी चोटी पर स्थित है हमारे उमानंद जी। तो चलिए चल पीकॉक आइलैंड, जिस पर कि हमारे भैरव उमानंद जी विराजमान हैं, इसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि यह आबादी वाले भारत का सबसे छोटा आइलैंड है। और यह आइलैंड असम के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वक्तों का गवाह भी रहा है जिसमें असम का इतिहास बनाने में योगदान दिया। ये हमारे बोट वाले भैया हैं, ये हमें लेके जा रहे हैं उमानंदा की तरफ। तो आपको इस ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए लेनी पड़ेगी बोट, जो कि होती है दो तरह की, वो हम अभी आपको आगे बताते हैं। पहले बोट तक जरा पहुंचते हैं। तो मित्रों, जिस पहाड़ी की तरफ हम चल रहे हैं उसे यहाँ की स्थानीय लोक कथाओं में भस्मांचल कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर भयानंद के रूप में निवास करते थे। तो चलिए पहले हम बोट पे बैठते हैं और फिर हम आपको आगे की सारी कहानी बताते हैं। तो अब हम पहुंच रहे हैं उमानंदा टेंपल की तरफ और देखिए चारों तरफ का नजारा कितना बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो मित्रों, यहाँ पर जो बोट है वो दो तरह से आप ले सकते हैं। एक तो सरकारी तरफ से, तो वो आपको 40 रुपए की टिकट मिलती है और वो आप दोनों तरफ से वो 40 रुपए में हो जाता पर पर्सन। लेकिन अगर आप प्राइवेट बोट करते हैं तो 200 रुपए पर पर्सन पड़ता है। और जो सरकारी वाली टिकट है वो 3:30 या 4 बजे के बाद नहीं मिल पाती है, तो इसलिए हम ये प्राइवेट बोट करके जा रहे हैं उस तरफ, क्योंकि हमें आज ही इस मंदिर को देखना है। तो देखिए, हम आ चुके हैं अपनी बोट पर और आप देखिए चारों तरफ कितना सुंदर है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और मित्रों, कालिका पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में शिव जी ने इसी स्थान पर भस्म को अपने शरीर पर लगाया था और माता पार्वती को ज्ञान प्रदान किया। कहते हैं कि जब भगवान शिव इस पहाड़ी पर ध्यान में थे तो कामदेव ने उनके योग को बाधित किया था, तो इसीलिए इस पहाड़ी को भस्म काल भी कहते हैं। और उमानंदा टेम्पल के लिए कहते हैं कि यहाँ पर कामदेव को शिव जी ने भस्म कर दिया था, इसीलिए यहाँ का जो पर्वत है उसका नाम भस्मकूट या भस्मकाला ऐसे नाम दिया गया इस पर्वत को, जिसकी चोटी पे जो हमारे शिव जी हैं भैरव रूप में उपस्थित हैं, उमानंद रूप में उपस्थित हैं। तो कहते हैं कामाख्या के दर्शन जो आप करते हैं तो उमानंद जी के दर्शन के बिना वो आधे माने जाते हैं, क्योंकि कोई भी देवी के दर्शन हम करते हैं तो हमें उसके साथ भैरव के दर्शन अवश्य करने ही होते हैं। तो इसलिए हम भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, शिव जी के दर्शन करेंगे। और वहाँ पे सबसे मेन है कि वो इतना छोटा सा आइलैंड है पूरे इस पूरी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, वो अपने आप में एक अलग ही खूबसूरती है। तो बस अब हम इस चारों तरफ का नज़ारा ले रहे हैं, देखिए चारों तरफ पहाड़ियाँ कितनी सुंदर। और अब देखिए वो दिखाई दे रहा है हमें बीच में पीकॉक आइलैंड, और हम बस थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। और मित्रों, यहां पर आप देखेंगे कि बोट के साथ साथ ट्रॉली की व्यवस्था भी है, वो देखिए सामने आपको ट्रॉली जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पे ट्रॉली से भी आया जाया जाता है और कहा जाता है कि बहुत लंबा ट्रेल है यहां पे ट्रॉली के लिए। और मित्रों, इस जो मंदिर का निर्माण है वो 1681 से 1694 में किया गया था, और इस मंदिर का निर्माण कार्य राजा गदाधर सिंह द्वारा किया गया था, जो अहोम वंश के राजा थे और सबसे मजबूत शासकों में उनको बताया जाता था। लेकिन
1897 में एक विनाशकारी भूकंप के चलते जो मंदिर था इसका काफ़ी क्षति हुई थी इसको, और बाद में इसका पुनर्निर्माण स्थानीय व्यापारी द्वारा किया गया और उमानंद मंदिर को कुशल असमिया श्रमिकों द्वारा खूबसूरती से तैयार किया गया। उमानंदा मंदिर में माना जाता है कि अमावस्या के दिन, जो अगर अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो उस दिन अगर पूजा की जाए तो बहुत स्पेशल मानी गई है, और शिव चतुर्दशी जो है सबसे रंगीन त्यौहार यहाँ का माना जाता है। तो देखिए अब हम बिल्कुल कहना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच पहुँच रहे हैं, सामने सूर्यदेव देखिए कैसे चमक के दिखाई दे रहे हैं हमें। और इस ब्रह्मपुत्र नदी की एक खास बात है कि आपको कदम कदम पे इसके कलर बिल्कुल अलग अलग दिखाई देंगे, कभी पर्पल तो कभी रेड, कभी पिंक, कभी ब्लू, आप देखेंगे बिल्कुल अलग अलग आपको दिखाई देते रहेंगे। और वो देखिए बिल्कुल बीचा बीच में है हमारा पिकॉक आइलैंड, और पिकॉक आइलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोर के फैले हुए पंख की तरह दिखाई देता है। और ये देखिए हम पहुंच रहे हैं उमानंदा मंदिर के बिल्कुल पास में, और चारों तरफ इतना बढ़िया लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। नीरद बरुआ अपनी किताब प्राग ज्योतिषपुर ए कल्चरल जोन ऑफ अर्ली असम में उमाचल रॉक शिलालेख के बारे में बताते हैं जो वर्मन राजवंश के समय का है, और इस शिलालेख में मंदिर निर्माण की जो आरंभिक वास्तुकला है उसका वर्णन किया गया है, और ये वास्तुकला जो उत्तर भारत की नागर शैली से प्रेरित है। उमानंद द्वीप में शिव मंदिर में हमें इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे, जैसे वहाँ की सीढ़ियाँ, गुफाएँ, दीवारें, अभी हम चलेंगे और वो सब हम आपको दिखाएंगे। और अब हम बिल्कुल पहुँच गए हैं हमारा जो एरिया है जहाँ से हम एंट्री करेंगे इस मंदिर के लिए, जहाँ पे उतरेंगे, जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक पहुँच गए हैं। और इसके लिए हमें एक बीच में एक और ये बोट खड़ी है, इसके ऊपर से होके इसके अंदर से निकल के मतलब वहाँ पे पहुँचना होता है। तो बस अब हम पहुँचते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर किनारे पे आप देखेंगे बिल्कुल पूरा बालू बालू है, क्योंकि इस पूरे आइलैंड पे सिर्फ यही एक मंदिर है, मतलब ये पूरा एक पर्वत है और पर्वत की चोटी पर वो मंदिर है। तो उस पर्वत पे पहुँचने के लिए जो सीढ़ियाँ सी पहले बनाई हैं, फिर आगे और बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होंगी, मतलब सीढ़ियों सीढ़ियों से ही हम उस पर्वत के ऊपर पहुँच जाते हैं। और यहाँ से ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से होती है मंदिर की जो मेन एंट्री है, वो यहाँ से हम करेंगे अंदर जाएंगे। आपको उतरते हुए लोग दिख रहे हैं क्योंकि शाम हो रही है, तो जो लास्ट जो नाव थी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टिकट लेके बैठते हैं वो ख़त्म हो चुका था उनका टाइमिंग, तो ये प्राइवेट वालों के लिए भी बस अभी लास्ट का एक डेढ़ घंटा बचा है, इसी में हमें ऊपर जाके और वापस फटाफट से आना है। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी चल के जा रहे हैं क्योंकि हमें अभी बहुत ही उत्साह हो रहा है ऊपर तक पहुँचने का और उमानंद जी को देखने का, क्योंकि यहाँ का बाहर इतने यहाँ तक पहुँचने में ही हमें इतना अच्छा लगा, तो सोचिए अभी अंदर जाके तो हमें कितना अच्छा लगने वाला है। मध्यकालीन युग में एक तरफ जहां कामता और कोच जैसे राजवंशों का साम्राज्य रहा, वहीं दूसरी तरफ प्रथम अहोम राजा सुकफा के नेतृत्व में 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में अहोम साम्राज्य का उदय हुआ। अनुपमा घोष अपनी किताब लैंड ग्रांट्स टू कामाख्या टेम्पल ऑफ असम ए स्टडी ऑफ द चेंजिंग स्टेट पॉलिसीज में लिखती हैं कि 14वीं सदी तक शुरू में अहोम शासक हीन यान बौद्ध या फिर हिंदू धर्म को अपनाने लगे थे, लेकिन कुछ सदियों के बाद ही पड़ोसी के राजा कोच शासकों ने असम में अपना अधिकार बना लिया, लेकिन सन 1603 में फिर से युद्ध में अहोम ने उन्हें हरा दिया और इस प्रकार अहोम का यहाँ पे राज्य दोबारा से स्थापित हो गया। तो मित्रों अब हम इन सीढ़ियों पे काफ़ी ऊपर तक आ गए हैं और थोड़ी सी सीढ़ियाँ अभी और बची हैं, और इन सीढ़ियों से ही आप देखेंगे चारों तरफ का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, और सामने वो दिखाई दे रहा है हमें मंदिर। और इस मंदिर से थोड़ा सा ही पहले लेफ्ट साइड में भी एक मंदिर है, तो हम आपको वहाँ के पहले दर्शन कराते, फिर वो सामने जो वाइट कलर का मंदिर दिख रहा है वो हमारा है मेन मंदिर, वो हम लेके चलेंगे आपको। और इससे पहले एक शिव मंदिर है लेफ्ट साइड में, वो हम आपको दिखाएंगे। और इस वाले मंदिर का नाम है तोहार गौरी टेम्पल। पहले तो हमें पढ़ने में ही नहीं आ रही थी इसकी स्पेलिंग, बाद में पुजारी जी ने बताया कि लिखा है तोहार गौरी टेम्पल। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर की तरफ।
तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उमानंद जी का जो मुख्य प्रांगण है वहाँ पर, और ये है उसका गेट। तो चलिए इसमें प्रवेश करते हैं। और देखिए इस गेट के बिल्कुल ऊपर लिखा है कि सिर को जरा बचा के चलें चोट लगने से, क्योंकि काफ़ी इसकी ऊंचाई कम है। और घुसते ही देखिए क्या नज़ारा है सुंदर सा, कितने प्यारे मेरी नजर। तो ये थे प्यारे से हमारे मूसक राज जी, और ये मूसक राज जी जिस दरवाजे के बाहर इनकी मूर्ति बनाई गई है वहाँ पर हैं हमारे गणेश जी। तो चलिए अब हम मूसक राज जी के पीछे जो गणेश जी का मंदिर है उसके भी दर्शन कराते हैं आपको। और ये रहे हमारे प्यारे गणेश जी जिनका मंदिर ही बहुत सुंदर है, किनारे पे है बिल्कुल। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें एक गेट दिखाई दिया जो बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जहाँ से चढ़ाई शुरू की थी, फिर दूसरा गेट आया जहाँ से हमने अभी अभी एंट्री की है, और तीसरा गेट अभी आगे आएगा जहाँ से गर्भगृह के लिए हम जाएंगे, वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से इस पूरे यात्रा में हमें तीन गेट मिलेंगे। तो अभी हम दूसरे गेट के अंदर हैं, तो अभी हम आपको इस दूसरे गेट के अंदर चारों तरफ का क्या क्या है वो सब कुछ दिखाएंगे, और उसके बाद हम तीसरे गेट में यानी कि गर्भगृह के अंदर आपको लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले तो हमने आपको दिखाया सीधे हाथ की तरफ, ये हमारे मूसक राज जी थे, गणेश जी थे, और बहुत सारी आरती, वो दीपक जो जल रहे थे, तो जो भी पूजा अर्चना करते तो यहाँ पे दीपक अगरबत्ती वो सब जलाते हैं। और ये तो रहा हमारा सामने गर्भगृह का जो मुख्य दरवाजा है वो, ये हम आपको बाद में लेके चलेंगे, पहले हम आपको इसके चारों तरफ और दिखाते क्या क्या चीज़ें, फिर हम अंदर दर्शन कराएंगे। तो इसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, इस मुख्य मंदिर के बिल्कुल लेफ्ट साइड में, वहाँ पर आपको दिखाई देंगे एक बहुत प्यारे से शिव जी। तो चलिए पहले हम शिव जी के दर्शन करते हैं, फिर एक कोने में एक दूसरे भी बहुत ही सुंदर शिव जी हैं उनके भी दर्शन कराएंगे। पहले हम इस वाले मंदिर के अंदर चलते हैं। ब्रह्म मुरारी सुरचित लिंगम, निर्मल भाषित शोभित लिंगम, जन्म दुख विनाशक। और इस मंदिर के बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर पे एक और शिव जी का मंदिर है, तो चलिए उसके भी दर्शन कराते हैं आपको। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही, जन्मज दुख विनाशक लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। और ये है मंदिर के पीछे का पूरा जो रास्ता सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काफ़ी कूड़ा सा पड़ा हुआ, पत्ते और बहुत सारे कूड़ा सब कुछ। और नीचे की तरफ आप देखेंगे, देखिए पहाड़ी है पूरा, नीचे तक पूरा आपको पेड़ पौधे, और वो हमारी रही ब्रह्मपुत्र नदी और उसके उस साइड रहे पहाड़। तो देखिए कितना अच्छा सीन है कि हम एक मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे, नीचे ब्रह्मपुत्र नदी, पहाड़ियाँ, इतना सुंदर जो हमारा आसमान है उसका कलर, ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है उसका कलर, मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे नज़ारा है। और यहाँ रास्ते में देखिए और भी शिवलिंग बने हुए, ऐसे छोटे छोटे से बीच बीच में कुछ 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 चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं, कहीं पे त्रिशूल है, कहीं पे शिवलिंग है, तो बहुत कुछ है साथ। तो अब हम आपको गर्भगृह की तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन इससे पहले ही हमें बड़े प्यारे प्यारे से कुछ नॉटी नॉटी से बच्चे बिल्ली के दिखाई दे रहे हैं, ज़रा वो भी देखिए कितने प्यारे बच्चे हैं। तो चलिए अब हम चलेंगे गर्भगृह की तरफ। इसमें मंदिर में एंट्री करते ही जो आपको एक मंदिर दिखाई देगा उसके पीछे नीचे की तरफ गर्भगृह का रास्ता जाता है, तो चलिए हम दोनों ही जगह का आपको दर्शन कराते हैं, उसके बीच वाले एरिया का और फिर लास्ट वाले एरिया का भी। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन Thank you.
और मित्रों ये है मंदिर के पीछे का पूरा एरिया जहाँ पे चूल्हा बना हुआ, शायद यहाँ पे भोजन वगैरह बनाते होंगे। और ये पीछे बिल्कुल किनारे किनारे का रास्ता है, यहाँ पे काफ़ी कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ है। और मित्रों यहाँ के बारे में बाढ़ को लेकर एक स्थानीय जो असमी लोग हैं उनकी कहावत है कि अगर किसी दिन उमानंद डूब गया तो पूरा गुवाहाटी जलमग्न हो जाएगा। और बाढ़ के समय कहते हैं उमानंद जो वो बाकी हिस्सों से कट जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता। और देखिए अब हम आपको लेकर चले हनुमान जी का मंदिर बोर्ड लिखा हुआ, तो उधर ले जाएंगे और सामने देखिए क्या नज़ारा, कलर देखिए आप ब्रह्मपुत्र नदी का, बिल्कुल पर्पल हो रखा है, पर्पल और पिंक। और यहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है इसमें चैनल लगा हुआ और बिल्कुल अंधेरा है, अंदर कोई लाइट भी नहीं जल रही है। तो हमने काफ़ी कोशिश की कि हम देख सकें, टॉर्च, फ़ोन की टॉर्च भी जलाई लेकिन कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे, काफ़ी अंधेरा है। तो यह हनुमान जी का मंदिर है वैसे। और अब देखिए वापसी हम आए हैं तो पिंक हो गया, अभी पर्पल था और अब ये पिंक ऑरेंज कलर हो गया। मतलब मैंने नोटिस किया कि हमने 2 घंटे में यहाँ पे बार बार इसका कलर बदलते हुए देखा है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे है। और मित्रों आपको बता दूं कि इस द्वीप पे सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, एक तो यहाँ पे जो पुजारी जी हैं और एक जो उनके सहायक हैं बस। और जब ये जल स्तर बढ़ जाता है ना ब्रह्मपुत्र का, तो उनके पास खाने के लिए सिर्फ भोग प्रसाद ही बचता है क्योंकि ये मंदिर सारी जगहों से कट जाता है। तो अब हम आ गए मंदिर से बिल्कुल बाहर दर्शन करके और बोट हमारी सामने तैयार खड़ी है। तो चलिए अब हम चलेंगे बोट पे और देखिए आप यहाँ पे चारों तरफ का नज़ारा, सामने की बोट में बहुत सुंदर सुंदर गाने बज रहे हैं, वो भी सुनिए जरा। मित्रों प्रसिद्ध असमी उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी के मशहूर उपन्यास द मैन फ्रॉम छिन्नमस्ता, जिसमें इसे भस्मांचल कहा गया, और अमित सरकार के मोमेंट्स इन टाइम सहित कई किताबों में उमानंद आइलैंड का जिक्र है। स्थानीय मान्यता है कि कामाख्या मंदिर जाने से पहले इस आइलैंड में जाना ही चाहिए, तभी माँ कामाख्या आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो अगर आप नहीं आए हैं तो आप यहाँ पे जरूर आइएगा और माता कामाख्या के साथ साथ उमानंद जी के दर्शन जरूर। ओम नमः शिवाय, जय मां कामाख्या।